शिवाय। राम राम। मैं पंडित एसके मिश्र। किसी युवक युवती स्त्री पुरुष का संभोग वशीकरण करना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत सरलतम प्रयोग देने जा रहा हूँ। आप जिस व्यक्ति चाहे वह युवक हो युवती हो उसका नाम में कितने अक्षर है आपको यह जानना है। उसके पूरे नाम को लिख करके काउंटिंग कर लीजिए उसमें कितने अक्षर हैं, उतने आपको चावल के दाने लेना है। और एक कच्चा आलू ले लीजिए, खाने वाला आलू। एक एक स्टेप में बारीकी से समझा रहा हूं, सुनिएगा समझिएगा ध्यान से। जब भी आप वशीकरण का प्रयोग करें तो अपने मन में शांति बनाए रखें, आपके मन में कुछ उलूल जुलूल की बातें ना आए। भौतिक जगत की कोई भी बात यदि आपके दिमाग में आए तो उसको फोर्सली स्टॉप कर लीजिए। किसी टेंशन में डिप्रेशन में है तो टोटकों का या यंत्रों का या मंत्रों का प्रयोग करेंगे तो आपको सफलता नहीं मिली है तो सफलता नहीं मिलेगी। अतः गहरी गहरी सांस लें, चेहरे पे स्माइल लाएं, हबराहट में कोई काम नहीं करना है, बिल्कुल शांत एकांत में आपको कोई प्रयोग करना है। और जब भी आप कोई प्रयोग करें तो अपने हृदय से करें, अपने हृदय में अपने इष्ट को स्मरण करें, अपने गुरुदेव का प्रतिबिंब यहाँ दर्शन करें, उसके बाद उसके बारे में आपको सोचना है। और वशीकरण का प्रयोग करते समय त्राटक टेलीपैथी का भी आपको प्रयोग करना है। हमने इस पर अनेकों वीडियो बनाए हैं, आप करिएगा। आप चाहे तो सम्मोहन साधना सीख करके भी किसी को अपने बस में कर सकते हैं या बस में कर सकती हैं। और वशीकरण करने से पहले एक बात और, अपनी एनर्जी को भली बात रीड कर लें। यदि आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं है तो एनर्जी का बैलेंस बहुत जरूरी है। एनर्जी बैलेंस अगर नहीं है तो सफलता आसानी से नहीं मिलती है। तमाम भाइयों का, बहनों का, माताओं का प्रश्न आता है कि मैंने यह प्रयोग किया सफलता क्यों नहीं मिली। हो सकता है कि आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं है। एनर्जी को बैलेंस करने के लिए अपना तुरंत खींचा फोटो हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तो मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके बताऊंगा कि आपकी एनर्जी बैलेंस है कि नहीं है। एनर्जी बैलेंस करने के लिए कुछ छोटे छोटे प्रयोग है, कुछ छोटी छोटी सरलाएं हैं जो हमारे माध्यम से आप अपने घर बैठे सीख सकते हैं, जिसके लिए आप हमसे संपर्क करें। और हम प्रयोग पर चलेंगे। सर्वप्रथम अपने इष्ट का आपको स्मरण करना है, उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। तत्पश्चात अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी आपको स्मरण करना है और उनसे भी आपको मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करके यह प्रयोग करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और यदि आपके पास कोई आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं तो कोई गुरु बना करके ही प्रयोग करिएगा, वरना सफलता मिलने के चांसेस कम है। गुरु के अभाव में सफलता नहीं मिलती, गुरु की तलाश करिए। और यदि आपको गुरु नहीं मिलते हैं तो बिल्कुल परेशान ना होइएगा। मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव और समर्पण का भाव रखते मुझसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करके यह प्रयोग करें, आपको सफलता मिलेगी। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स के नीचे आपको टाइप करना है कि मुझे आदेश दे, और यदि रिप्लाई में मैं आपको हर्ट का सिंबल या साइन देता हूं तो आप समझिएगा कि आपको आदेश और आशीर्वाद मिल चुका है। इस प्रयोग को आप कर सकते हैं या कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में वही लोग कमेंट करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बात और कहना चाहता हूं अपने भाइयों से, माताओं से, बहनों से कि हमसे संपर्क करने के लिए, किसी भी समस्या का समाधान करवाने के लिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें, न कि फोन कॉल का प्रयोग करें। आप कॉलिंग करेंगे फोन रिसीव नहीं होगा, कभी होगा कभी नहीं होगा। इसके पीछे रीजन है कि बहुत सारे फोन कॉल आते हैं, रिसीव नहीं होता है। प्लस मैं कुछ पूजा पाठ करता हूँ आप लोगों के लिए, कुछ तंत्रों का सिद्धि करता हूँ, कुछ मंत्रों की सिद्धि करता हूँ जिससे आप लोग का समाधान कर सकूँ, तो हमेशा फोन कॉल उठाऊंगा तो पूजा पाठ में व्यवधान होता है। अतः आप व्हाट्सएप पर अपना अपना नाम, अपनी पूरी समस्या और अपना तुरंत खींचा फोटो सेंड करें, मैं समय रहते आपका रिप्लाई करूँ और मैं जिससे कहूँ वही कॉल करेगा। इस तरह हम सबकी बात भी सुन लेंगे और समस्या का समाधान में जो उचित होगा आपको सही रहेगा। हम चलते हैं प्रयोग विधि पर। यहाँ पर एक मंत्र की आवश्यकता है,
पहले जरा मंत्र को ध्यान से देख के सुने और समझे। मंत्र इस प्रकार से है, मंत्र है अल्लम बुलामी बसनुमा उजागर हो। पुनः सुन ले, अल्लम बुलामी बस नुमा उजागर हो। किसी व्यक्ति स्त्री पुरुष को लड़की को लड़के को अपने बस में करना चाहते हैं, उसके नाम के अक्षर के बराबर आपको चावल के दाने लेने हैं और साथ में आपको एक आलू भी लेना है। आपको चावल को अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में बंद करना है अगर आप पुरुष है तो, और महिला है तो अपने बाएं हाथ की मुट्ठी में उसको बंद करिएगा। और फिर जो मैं मंत्र बताया हूं उस मंत्र का आपको 51 बार पढ़ना है, जाप करना है। मंत्र का जाप करते समय आपको मन ही मन उस व्यक्ति की कल्पना करनी है जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं। उसके बाद आपको आलू को लगातार 5 दिनों तक अपने तकिए के नीचे रखना है और उसके बाद आलू को अपने ऊपर से 5 बार उतार कर आपको बहते पानी में फेंक देना है। ऐसा करके देखिए, कुछ दिनों में आपको पॉजिटिव रिजल्ट दिखाई देंगे। ऐसा करने के बाद वह व्यक्ति खींचा चला आएगा आपके प्रेम में। संभोग वशिका का सबसे सरलतम प्रयोगों में से एक प्रयोग है, आवश्यकता तो ही आजमाइए। मैंने अब भली भांति समझाने का प्रयास किया है, आशा है आप लोग के समझ में आया होगा। फिर भी यदि आप लोग के जीवन में कुछ इस प्रकार की समस्या हो या किसी प्रकार की कोई समस्या हो, चाहे आर्थिक समस्या, मानसिक समस्या या शारीरिक समस्या है, तो बिल्कुल निराश ना हो। अपना तुरंत खींचा फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करते हुए आवश्यकता पड़ने पर अपने भारतीय विद्याओं के माध्यम से आप लोग का उचित समाधान देता हूँ। धन्यवाद। राम राम।